80 वर्ष पुराने रेलवे मार्ग पर अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर ब्राडगेज संघर्ष समिति और ग्रामीणों ने समनापुर कराया बंद, रैली निकालकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 80 वर्ष पुराने रेलवे मार्ग पर अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर आज सोमवार को ब्राडगेज संघर्ष समिति के द्वारा ग्राम समनापुर को बंद कराया गया और रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में स्कूली छात्र छात्राएं, किसान, व्यापारी, ग्रामीणजन मौजूद थे। बता दें कि ग्राम समनापुर में रेलवे स्टेशन के पास से मुख्य मार्ग था, उसको रेलवे विभाग के द्वारा बंद कराकर गांव के बाहर से बाईपास बना दिया गया है, जिससे ग्रामीण बच्चों और क्षेत्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, लगभग 80 वर्षों से राज्य सरकार का मार्ग जो समनापुर से होकर रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता था, उसे ब्राडगेज अमान परिवर्तन के पश्चात परिवर्तित करके 1.5 किलोमीटर के लगभग आगे ले जाया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट रूलिंग है, स्पष्ट निर्देश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी रेलवे फाटक हैं उन्हें समाप्त करते हुए या तो उन पर ओवर ब्रिज बनाया जाए या अंडर ब्रिज बनाया जाए। यह कौन सा ऐसा कारण रहा समनापुर में कि समनापुर ग्राम पंचायत की बिना एनओसी के, जिला प्रशासन के बिना अनुमोदन के, राज्य शासन के मार्ग को परिवर्तित करके 1.5 किलोमीटर आगे से फेरा लगाकर जो वहां पर चौकी स्थापित की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत, इसकी जाँच होनी चाहिए। और जो ये 80 वर्षों से चलित जो मार्ग था, जो कि समनापुर क्षेत्र के 5 गांव उस तरफ और 5 गांव इस तरफ का जो खेती बाड़ी का काम होता है, लगभग 1800 बच्चे इस मार्ग से, इस मार्ग के समीप जो स्कूल बने हैं, आंगनवाड़ी बनी है, वहां पर आना जाना करते हैं। वे पूरे के पूरे बच्चे लगातार रेल पटरियां को पार करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हुए रेल के नीचे से होकर गुजरते हैं, पटरियों से होकर गुजरते हैं। मवेशी आए दिन कट रहे हैं, गौ माता कट रही है। गौ माता के कटने के बाद गौ माता के मालिक किसान पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस तरह का जो कुठाराघात रेल प्रशासन द्वारा किया गया है, आज समूचा समनापुर पूर्णतः 100% बंद रहा। आज समनापुर के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर जिला प्रशासन से अपनी गुहार लगाने पूरे संपूर्ण ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी एकमात्र यही मांग है, जो नियमों के विपरीत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के विपरीत जिस तरह से मार्ग को परिवर्तित किया गया है, उस पुराने मार्ग पर अंडर पास ब्रिज बनाया जाए और इस समस्या से ग्रामवासियों को निजात दिलाई जाए। क्या मांगे हैं और क्या निराकरण हो सकता है? वो उनका कहना है कि पहले जहाँ से हमारा ब्रिज था, माने वो पासिंग थी, उसको रेलवे ने बंद करके वहाँ से गांव के शुरू में दे दिया, तो गांव के सारे लोगों को घूमकर इस तरफ से आना पड़ता है। तो अब चूँकि ये प्रशासन और रेलवे के साथ माने मिलकर उनके अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा इनकी मांगों के संबंध में, और जैसे नियम संगत यदि होगा तो जनहित में माने इसको निर्णय लिए जाएंगे। सर, और क्या समस्या होता है? उनने बस इसी को बोला कि हमें वहाँ से जहाँ पर पुराना रास्ता था वहाँ से अंडर पास दे दिया जाए, यदि प्रशासन एनओसी देता है तो रेलवे तैयार है, तो रेलवे वालों से बात कर लेते हैं। जनहित में यदि मान लो जनता का जहाँ से लाभ है और रेलवे को नुकसान नहीं है, तो ऐसी जगह एनओसी देने से कोई नुकसान नहीं है।